अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो दोस्तों यार, आज ने ये वाले मुर्गों को, वाइट वालों को, सबको बाहर निकाल दिया, लेकिन इनमें से ना हमारी वाइट वाली मुर्गी ने किसी ने भी आज अंडा नहीं दिया हुआ। यार वैसे ही वाइट वालों के अंडे जमा हो नहीं पा रहे, और उन्होंने देखें आज भी अंडा नहीं दिया। हमारी मैडम है ना, उसने अंडा दिया हुआ है। ये मुर्गी है ना, देखें ये चितकबरी वाली हमारी, ये मैंने ना यहाँ बाहर खोल दी थी, क्योंकि किसी कहीं पर जगह नहीं बची थी। अगर मुर्गों के साथ बंद करता तो उनकी बीवियाँ जो हैं वो मारना शुरू कर दी थी इनको। यू नो इसमें जो अंडा है ना, पहले वो उठा लो, कहीं ये मैडम तोड़ी ना दे जाए। भाई मैडम, ये हमारी बहुत अच्छी मुर्गी है, ये रोज डेली डेली अंडे देती है हमारे। ये आज का अंडा इतना छोटा दिया इसने। अरे मैडम, ये क्या हरकत करी है? कहाँ गई मैडम? वो देखें, जाते अपनी कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने, गमले खोदना शुरू कर दिए। आज का अंडा ना मैडम का ज़्यादा ही छोटा है। चले कोई नहीं, खैर है। मैं ना सारे अंडे आज छत पे ले आया था ऊपर, इसमें से ना एक छोटी मुर्गी का भी अंडा है। कौन सा वाला है? मेरे ख्याल से ये वाला था, छोटी मुर्गी का अंडा, ये छोटा था। इसमें सिर्फ एक दो तीन और ये चार बस सफ़ेद वाली मुर्गियों के अंडे, और ये ना हमारी मैडम के अंडे जितने भी हैं ना, एक इसको छोड़ के ये सारे हमारी मैडम के अंडे। माशाल्लाह से हमारी मैडम ना ज़्यादा अंडे देती है, लेकिन वाइट वाली है ना, इनके साथ मुर्गे भी अलग अलग हैं, उसके बावजूद ना अंडे कम देती हैं। तो यार दोस्तों, मैंने ना आज सोचा हम ना फाइनली आज ना इनको ना फ्रिज के अंदर रख देंगे। मेरा कभी एक्सपीरियंस तो नहीं है इनको फ्रिज में रखने का, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि यार फ्रिज में ही रखते हैं गर्मियों में ना, तो उससे ख़राब नहीं होते। तो ये भी करके देख रहे थे, काफ़ी टाइम से बाहर रखे हुए थे, कहीं ख़राब ही ना हो जाए जब से हमारी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। तो आज ना इनको फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जो ना ये सही रहे। माशाल्लाह से हमारी मुर्गी भी खुल गई है, हमारी कंधारी मुर्गी भी। बस ये ना फड्डे ना करे, ये फौरन जाएगी हमारे किंग से ना फड्डे करना शुरू कर देगी। और ये भाई आपकी क्या सूरत हाल है? इसके कल ट्यूब डाली थी, तो आज इसने आँख तो खोली हुई है ये वाली भी। माशाल्लाह देखें दोस्तों, इसने आँख खोली हुई है ये वाली भी, इस साइड वाली भी, लेकिन आँख ना इसकी अंदर है। इधर दिखाओ, रुको, अरे इधर तो आओ, ये देखो अंदर है इसकी आँख ना, इसने आँख खोली भी तो है। अब इसके एक दो दिन तक और ड्रॉप और कतरे वगैरह डालेंगे ना हम लोग, तो इंशाल्लाह इसकी आँख ना ये वाली बिल्कुल सही हो जाएगी। रात जीजू हमारा भारी रह गया था, ये देखें अभी तक यहीं घूम रहा है। रैबिट्स को भी खोल देते हैं हम लोग, बकाया ये अंदर जाएगा दाना खाने के लिए। रात में बाहर क्यों रह गए थे तुम? ये देखें अभी भी नहीं जा रहा, जाओ फौरन अंदर गया, इसने दाना भी नहीं खाया होगा ना इस वजह से। हमारे एस्ट्रोलॉप की मुर्गियाँ खोल दी हैं आज दोबारा से। यूनुस आज दोबारा ये हरकतें करनी है, जो आधी निकल जाती है ना खुद से वो निकल गई, और देखो आधी नहीं निकलनी, इसको अंदर जाके निकालना पड़ेगा। बहुत डरती हैं यार ये, इनको आदत नहीं है ना अभी। अभी देखें, अभी ये वहाँ से डरा रहा है ना, तभी बाहर आएंगी, वरना इनको पता नहीं क्या पसंद है अंदर रहना। पता नहीं किस चीज़ से डरती हैं, यहाँ तो कोई चीज़ है भी नहीं। हालांकि आधों का डर निकल चुका है, लेकिन आधे हैं ना ये वाले फैंसी वाले, ये रह जाते हैं तो उनको देख के कुछ ब्लैक वाले ना ये बड़े वाले, ये भी अंदर ही रह जाते हैं। हाँ क्या मसला है तुम्हारे साथ? चुप करो। ओए 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 ओए, क्यों उड़ लो, क्यों उड़ लो, क्या हो गया भाई? फजूल में उड़ने में लगा हुआ है, ये कबूतर थोड़ी हो तुम उड़ लो। सी मुर्गी ना पानी पी रही है, लो ये वाली दवाई इसमें मिक्स कर दो जल्दी से, एक चुटकी डालना, क्योंकि बहुत ना वैसी होती है, कैल्शियम वाली है ना। नहीं नहीं चुटकी से, हाँ पहले निकालो, इसमें निकालो थोड़ी सी, बस इसमें ना एक चुटकी डालो, देखना रंग कैसा पीला हो जाएगा। थोड़ी सी और डाल दो, रंग देख लो पीला हो गया, पूरे पानी में फैल जाएगी, बस इतनी और, इससे ज़्यादा नहीं डालना। वाले कबूतर भी ना अंडे देंगे मुझे लग रहा है। ये देखें हमारी जो लका की फीमेल है ना, वो दोबारा से अंडे के लिए बैठ गई है वहाँ पे पेटी के अंदर अपनी, और देखें अपने बच्चे को इन्होंने फेंक दिया बाहर। यार ये इनका हमेशा का, ये जब भी इसके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं ना, ये वाली फीमेल ना अपने बच्चों को पेटी से बाहर फेंक देती है। रोज डेली हम थ्री इडियट्स को खोलना भूल जाते हैं बेचारे, सबसे आखिर में खुलते हैं, हालांकि इनको खोलना सबसे पहले होता है। आ जाओ आ जाओ, आज लड़ाई करोगे? आओ लड़ाई करके फिर बाहर आ जाओ, लड़ो। अरे पहले लड़ना होता है भाई, पहले लड़ना होता है। ओ ओ ओ, ओ, ओ उछल के टांगों से नहीं, चोंच से लड़ना है बस। आ जाओ देखने इनकी कार्रवाई, देखने ये देखें कितने मजे से खोद रही है मिट्टी को। ये वापसी रोज की तरह अंदर बैठ गई, यहाँ खोद रही है। हम एक काम करेंगे, ये जो इन्होंने फेंक दिया ना मिट्टी, ऐसी मिट्टी ना खाद जो खाली गमले उसकी ला के इसमें डाल देंगे, क्योंकि इनको ये वाले दो तीन गमले ज़्यादा पसंद है जिनमें ये गंद करती है, और वो तो खोदते नहीं है, बस नीचे से चुपते रहते हैं। बेचारा पूरी रात से भूखा था, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी देखें फौरन अंदर आके जो बची कुछ घास पड़ी हुई है वो खा रहा है। ये भी डाल देते हैं, इसको एक गड्डी और डाल देते हैं, बकाया रात में डालेंगे, खा लो तुम आराम से। दोस्तों हमारे जो बजीज है ना, इनमें ये वाला जो एग्जीबिशन का एक मेल है, इसकी फीमेल मर गई थी, तो हमने एक काम करते हैं, ये वाली जो फीमेल है ना इसको डाल देते हैं। बाहर भी जो ना हमारे पास बहुत सारी फीमेल है जो बच्चे निकले थे, लेकिन ना ये वाइट वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो इनके बच्चों में से निकली हुई है। इस फीमेल को ना पकड़ के हम लोग उसमें डालते हैं। इसके ना मैंने पैर में रिंग भी डाला था, देखते हैं या नहीं है। पकड़ ली ये वाली फीमेल ना, और इसके
पैर में देखे मेरे नाम का रिंग भी डाला हुआ है। यार हमारे जो ग्रीन वाले हैं ना रिंग ने, इन्होंने देखे कितना शोर डाला हुआ है, क्योंकि आज ना माशाल्लाह से हमारी फीमेल बाहर आई हुई है। वो देखें फीमेल बाहर आई हुई है ना, तो देखें कितना ज्यादा बोल रहा है, वैसे चुप करके बैठा होता है। क्या हुआ मिट्टू? म्याऊ 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 म्याऊ, क्या मसला है? कुछ ना कुछ तो हुआ है जो ये इतना तड़प रहे हैं। क्या चीज है, क्या बच्चा निकल आया तुम्हारा? नहीं, फीमेल गई। चलो अब ये चुप हो जाएंगे। देखें ये ना मेरा नाम लिखा हुआ है, देखें इस रिंग पे, ये रिंग मैंने डाला था जब ये हमारी फीमेल ना बहुत ज्यादा छोटी थी, बस अंडों में से निकली थी और कुछ दिनों की थी, तो मैंने इसके पैर में ये रिंग डाला था। अब देखें माशाल्लाह से इसके पैर में ये, और यार माशाल्लाह से सेहत में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो यार ये इसी के नसीब में थी, ये वाले मेल के नसीब में। हाँ देखिए कैसे देख रहा है उसको, फीमेल को। आ गई तुम्हारी फीमेल, नई फीमेल चाहिए? ये लो भाई जाओ, अब इसके साथ तुम पेयरिंग करो। माशाल्लाह से हमारी फीमेल बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, अब तो पहचान में भी नहीं आ रहे, बच्चे अलग कैसे करूँगा पता ही नहीं चल रहा कि कौन से बच्चे कौन से बड़े हैं इसमें। ये दोस्तों जिस बटेर के हमने आँख से पीठ निकाल के डाला था ना, देखें इसके सर पे मैडम ने मारा था, सर इसका अल्हम्दुलिल्लाह सारा ठीक होने वाला है। बस आँखें तो उसी दिन जिस दिन डाली थी ना ड्रॉप, उसी दिन रात में बिल्कुल सेट हो गई थी। इनकी भी मैंने डाल दी थी क्योंकि इनकी आँखें भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह से इसने बहुत जल्दी रिकवर करा। इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में ना ये बिल्कुल सही हो जाएगी, फिर ना हम इन बटेरों को भी ना बाहर खोला करेंगे। तो यार दोस्तों जब से हमारे ये वाले मुर्गी की आँख खुली है ना, ये अब नीचे से भी दाना उठा के खाने लगा है, क्योंकि ना पहले नीचे मुँह मार ही रहा था, यूनुस हाथ से खिला रहा था, अब अगर नीचे भी रखेंगे ना तो ये खाना शुरू कर देगा। यूनुस नीचे रखना कटोरी, ये नीचे तक गर्दन मिसिंग हो गई, कैलकुलेशन करके खा रहा है। ये देखें नीचे से भी खाना शुरू हो चुका है, नीचे भी मुंह मार रहा है, आँख सही हो जाएगी। ये सर आज ना बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं है, अचानक से कराची का मौसम पता नहीं चलता कैसा हो जाता है, कब कैसा हो जाता है। अब बिल्कुल धूप भी नहीं है और बारिश का मौसम भी नहीं है, वरना कभी बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, कभी अचानक से बारिश हो जाती है। यार आज ना इन सबको ना बीच में हम लोग दौड़ाएंगे, क्योंकि यार ये कोने में घुस जाते हैं, अच्छे नहीं लगते यार, पता नहीं क्या मसला है। तुम क्यों भाग रही हो, किस खुशी में भाग रही हो? चलो फिश फिश निकलो सारे बाहर, तो फिश नहीं नहीं अंदर नहीं जाना, इनको लग रहा होगा बंद करने का टाइम हो गया दोबारा से, लेकिन इनको अंदर नहीं करना अभी। अभी ना सिर्फ इनको बीच में यहाँ पे खिलाना है, ताकि आराम से सुकून से ना यहाँ पे भी थोड़ा घूमे। कोने में पता नहीं क्या है, वहीं घुसते देखें, फिर जा रहे हैं, फिर सारे लाइन बना के उधर। अच्छा यार जाओ, चले जाओ, जहाँ मर्जी घूमना घूमो। ये देखें ट्रेन छूट रही है इन सबकी कोने में जाने के लिए, ये ट्रेन छूट गई, बेचारे सारे कोने में आ गए। फिर ये जो अंडे है ना, पहले इनके नीचे बिछा देते हम लोग कपड़ा, कटोरों के अंदर पहले रखते हैं कपड़ा, अंडे बाहर निकाल के फिर उसके ऊपर रखेंगे सारे अंडे, और फिर उसके बाद ऐसे ना हम लोग इसको कवर करके ना पूरा फिर फ्रिज में रख देंगे, तो फिर इनका टेम्परेचर सेट रहेगा। काउंट भी कर लेते हैं कितने, तुम तो चुपो, एक दो तीन आज। भाई हमारी मैडम है ना, अभी तक ना 8 अंडे दे चुकी है। कहाँ गई हमारी मैडम, पता नहीं कहाँ घूम रही है। 8 अंडे वो दे चुकी है, और बाकाया 4 दिए हुए हैं हमारे वाइट वाली मुर्गियों ने, एक है हमारी छोटी वाली जो मुर्गी है ना छोटी दुनिया, उसका टोटल 13 अंडे हो गए। कोई एक मुर्गी भी अगर खुड़क हो गई ना, तो उसके नीचे हम लोग ये अंडे रख सकते हैं। मतलब यार ये कपड़ा बिछाते हैं इसके ऊपर, अब ये कपड़े के अंदर अब रखेंगे हम लोग अपने अंडे सारे। यार हवा चल रही है, यूनुस उसको छोड़ो, कटोरे को पकड़ो, ये देखो कपड़ा उड़ रहा है, इसके अंदर अंडे रखूँ मैं। सारे अंडे रख दिए इसके अंदर, और ये ना इन पे एच मैंने इसलिए रखा लिखा था, क्योंकि ना हमें पहचान रहे यार हमारी जो वाइट वाली मुर्गी है ना, इनके अंडे मिक्स ना हो, ये हम वाइट वाली के ही नीचे रखेंगे। अगर ब्लैक वाली पहले कुड़क हो गई तो फिर मैडम के नीचे ही रख देंगे। इसको कर देते हैं हम लोग बंद, अब रखते हैं इसको फ्रिज में ले जाके, फ्रिज में ले जाके रख देंगे, फिर देखेंगे ये सही रहते हैं या नहीं, क्योंकि यार मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है, पहली दफ़ा है। तो यार फ्रिज में रख के देख ही लेते हैं होता है क्या है। यार देखें मैडम है ना हमारी, उसने ये वाली मुर्गी को भी अपनी आदत सिखा दी। ये देखें यहाँ बैठ के हमारी ब्लैक वाली मुर्गी है ना जो मैडम है, वो ये हरकतें करती है, देखें इसकी भी यही आदत बन गई, वो ना सबको सिखाती जा रही है, यही हरकतें हैं सारी बदतमीज मुर्गी कहीं की। यार ये अंडे रख देते हैं नीचे फ्रिज में, और ना फिर चलते हैं अपने सामने वाले सेटअप पे, क्योंकि यार हमारे भाई बोल लेते हैं कि यार आप ना बस बोलते रहते हैं, सामने वाले सेटअप दिखाते नहीं है, तो आज आप लोगों को ना सामने वाले सेटअप पे भी लेके चलते हैं। इन सबको ना आज जल्दी बंद कर देंगे, इनको हम सबसे आखिर में कर लेंगे, ये जो मुर्गे जाल में बंद है, बकाया ये जो फैंसी वाले खुले इनको बंद कर देंगे, क्योंकि इनको कौवा वगैरह से खतरा है, तो उसके बाद चलते हैं हम अपने सामने वाले सेटअप पे। ये रहा हमारा फ्रिज, इसमें से सामान निकाल के ना इसमें शिफ्ट कर देते हैं, पहले इस वाले पोर्शन में ना इस वाले खाने में हम लोग रखेंगे अपने अंडे, क्योंकि ना यार ये इसका टेम्परेचर सेट रहता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा करता है ना गर्म होता है, ये वाला पोर्शन इसमें रख देते हैं अपने अंडे। चले भाई इसमें रखते हैं, कटोरा भी बिल्कुल फिक्स आ गया इसके अंदर एक अकेला, माशाल्लाह से। चले इसको ढक देते हैं यहाँ पे, बंद हो जा सिम सिम।
चलो भाई हो गया बंद। अब रोज़ के अंडे ना हम लोग रख दिया करेंगे, इसी के अंदर रख दिया करेंगे रोज़ अपने अंडे ला के, और फिर ना ये अब रहेगा सेव इसमें ठंडा ठंडा। ये देखें फ्रिज में ना हमारी कैट्स की डाइट पड़ी हुई है सारी, हमारी कैट्स की। अरे जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो चलो आ जाओ यहाँ घूमो, बाहर नहीं निकला करो। आप क्या करने में लगा भाई ये मुर्गा, छोड़ दो इसको बस बंद करो आप सबको, सामने वाले सेटअप पे जाएंगे आज हम। ये मुर्गे को ना दिमागी दौरा पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया, खाली फर्श पे खुरच रहा है, कभी खाली फर्श पे चोंचे मार रहा है, ये देखें वो पागल हो गया ये। तो चलो भाई चलो अब सारे, अब देखते हैं कौन कौन पहले अंदर जाता है, क्योंकि ना इनको आदत तो है, आदों को है आदों को नहीं है यार। इनमें से एक जो ताज वाला है ना चूदा, वो बड़ा थकाता है यार, भागता रहता है उधर उधर, अंदर नहीं जाता। चलो अंदर जाओ अंदर जाओ, वो जाना शुरू हो गया। चलो 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 लाइन बना के पीटी बना के जाते हैं। चलो ओए वहाँ कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर अंदर चलो चलो। और यहाँ पे ना देखिए ये वाले सेटअप पे ना यहाँ एक पिंजरा बनाया हुआ था, इधर मुर्गे पड़े हुए थे, ये देखिए हमारी छोटी दुनिया ना बाहर घूम रही है। तो यार ये वाले सेटअप पे ना देखिए हमने अपनी छोटी दुनिया को छोड़ दिया था, ये रहा इसका शोर भी यहीं कहीं पे होगा। और ना ये यहाँ पे बत्तखें हैं हमारी और हमारी बकरियाँ हैं, और आज मैंने ना ये वाली बकरी का दूध पीना है, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं यहाँ पे आया नहीं था और मैंने इस बकरी का दूध नहीं पिया। यहाँ पे अंदर ना माशाल्लाह से मैंने ना नए वाले केज बनवाए थे, लेकिन ये देखें ये सारे भी खाली हो चुके हैं। हमारे जो पुराने वाले चूजे थे ना वो मैंने यहाँ भिजवा दी थी, क्योंकि बड़े चूजे ना इनको बहुत ज़्यादा मार रहे थे। अब देखें माशाल्लाह से ये वाले चूजे भी ना हमारे देखें बड़े होते जा रहे हैं, असील चूजे जो हम नए लाए थे। चलो अंदर जाओ अभी बाहर नहीं आना, सारे बड़े होते जा रहे हैं। और हमारी ना एक असील मुर्गी ना जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे बैठी हुई थी अंडों पे, अब पता नहीं इसमें से बच्चे निकलेंगे कि नहीं, आज ना इसके अंडे में चेक कर लूँगा फिर यार, पता नहीं अब निकले ना निकले, इसको भी ना सामने वाले सेटअप पर ही लेके जाना है। और यार आप लोग बताएं मैं ना अपनी ये वाली जो देसी मुर्गी है ना इनको लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये देखें छोटी दुनिया का शोर देखें, साथ साथ अपनी सारी मुर्गी अपने साथ साथ देखे घूम रहा है। रोज़ की तरह आज भी हमारे कुछ भाइयों ने बोला था कि अपने ब्लॉग में हमारा नाम लेगा, तो एक भाई है हमारे NA ऑफिशियल करके उनका यूट्यूब चैनल है, और दूसरे भाई हैं हमारे उस्मान भाई, उन्होंने बोला था कि अपनी वीडियो में मेरा नाम लेगा। तो यार अभी ना बकरी का दूध निकाल लेते हैं हम लोग, और यहीं पे ना ताज़ा ताज़ा गरम गरम इसका दूध पियेंगे, ऐसे पीने में मज़ा बहुत आता है। चले भाई दूध निकलना शुरू हो गया, माशाल्लाह से ये बकरी ना हमारी बहुत ज़्यादा दूध देती है। इसके तीन बच्चे थे बेचारी के, तीनों मर गए, तीन बच्चे दिए थे इसने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जैसे अल्लाह को मंजूर। दूध निकाल लिया इसका जितना मेरे को पीना था, अब पी लेते हैं इसका दूध और मज़े का यार। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, तो मेरे इस चैनल डैनी पेट्स ऑफिशियल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने कल वाले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या मसला है तुम्हारे साथ, नहीं तुम्हारे खाने का नहीं है ये।